ये देखिए, ये इडली कितनी सॉफ्ट है और ये आसानी से टूट रही है। आज मैं आपको सॉफ्ट और टेस्टी और एकदम वाइट इडली बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे मेरे नए वीडियोज़ मिस ना हों। ये सॉफ्ट और फ्लफी इडली बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप उसना चावल, इसे पारबॉयल्ड राइस भी कहते हैं, ये आपको आसानी से किसी भी प्रोविजन या सुपर बाज़ार में मिल जाएगा। और हम लेंगे 1 कप नॉर्मल राइस जो आप घर पे रेगुलरली यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी सभी चीज़ें इसी से मेजर करूँगी। इडली के लिए बासमती चावल नहीं यूज़ करें। इन दोनों चावल को अच्छे से 4 से 5 बार धोएंगे जब तक ये जो पानी है वो एकदम साफ नहीं हो जाए। अब चावल अच्छे से धुल गए हैं, इनको साइड में रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप पोहा। पोहा इडली में डालना ज़रूरी है, पोहे से इडली बहुत सॉफ्ट बनती है। इसको भी अच्छे से 3 से 4 बार धोएंगे। इस धुले हुए पोहे को चावल में डाल देंगे। इसमें करीब 4 से 5 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर करीब 5 से 6 घंटे भीगने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास पोहा नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 कप मुरब्बरा भी ले सकते हैं, पर आज मैं यहाँ पोहा यूज़ कर रही हूँ। अब हम एक बोल में 1/2 कप उड़द दाल लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और इडली को सॉफ्ट बनाता है। इन दोनों को भी अच्छे से 4 से 5 बार धोएंगे। और फिर इसमें 1.5 से 2 कप पानी डालकर इसको भी भीगने के लिए 5 से 6 घंटे रख देंगे। अब 5 घंटे हो चुके हैं, उड़द दाल और मेथी दाना अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं जो दाल में पानी है उसको अलग कर लूँगी और दाल को पीसने में मैं यही पानी यूज़ करूँगी। दाल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और हमने जो उसका पानी अलग किया था वो मैं थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से उड़द दाल का बैटर फ्लफ़ी और लाइट हो जाएगा और इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दाल को पीस लिया है। ये देखिए, दाल और मेथी दाने का बैटर रेडी है और ये कितना फ्लफ़ी बना है। ये छूने में एकदम चिकना होना चाहिए। अब मैं इसको एक डब्बे में निकाल लेती हूँ। अब 5 घंटे हो चुके हैं, चावल और पोहा भी अच्छे से भीग गए और फूल चुके हैं। इसका हम पानी अलग कर देंगे और चावल और पोहा को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसको हम 2 बैचेस में पीसेंगे और इसको एकदम चिकना नहीं पीसेंगे। चावल का बैटर छूने पर हल्का सा दरदरा होना चाहिए। उसना चावल पीसने में टाइम लगता है और मिक्सी गर्म हो जाती है, इसलिए चावल को पीसते टाइम मैं इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाल रही हूँ। ठंडा पानी डालने से मिक्सी का जार गर्म नहीं होगा और बैटर पीला नहीं पड़ेगा। ये देखिए, चावल का बैटर पिस चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, और ये एकदम वाइट है। इससे हमारी इडली भी वाइट बनेगी। इसको हम दाल के बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन दोनों को मिक्स करने के पहले इसमें मैं डाली हूँ करीब 2 छोटे चम्मच नमक। इन दोनों बैटर को मिलाकर करीब 2 से 3 मिनट तक फेटेंगे। बैटर जिस डब्बे में फर्मेंट होने के लिए रखेंगे उसको करीब 1/2 खाली रखें, क्योंकि बैटर फर्मेंट होने के बाद डबल हो जाता है। बैटर को फर्मेंट होने के लिए 10 से 12 घंटे लगेंगे। सर्दियों के मौसम में बैटर को फर्मेंट होने के लिए कंबल में लपेटकर किसी गर्म जगह पर रखें। मैंने बैटर को फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट रखा था,
बैटर को खोल के चेक करते हैं कि बैटर अच्छे से फर्मेंट हुआ है कि नहीं। ये देखिए बैटर फर्मेंट हो गया है और फूल के डबल हो चुका है। ये देखिए ये कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है और इसमें एयर पॉकेट्स बन गए हैं जिसके कारण इडली सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगी। इस बैटर से आप डोसा और उत्पम भी बना सकते हैं। इस बैटर से डोसा बहुत क्रिस्पी बनता है। इस बैटर को एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसमें आपको इनो या सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना अच्छा खमीर आया है कि इसकी इडली बिना इनो या सोडा के ही फ्लफ़ी बनेगी। अब आप लीजिए इडली के मोल्ड और उसको ग्रीस कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सबके साथ वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।